अउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने तदरीसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 30 है। तारीख 19 अगस्त 2020 ईस्वी और दिन बुध। आज हमने कहानी करनी है जिसका उनवान है गुरूर का सर नीचा। इस कहानी को आप याद भी करेंगे और रजिस्टर पर लिखेंगे भी इंशाल्लाह। सबसे पहले आप कहानी का उनवान लिखेंगे। कहानी का उनवान है गुरूर का सर नीचा। गुरूर कहते हैं जो कुदाल सलाहियत पर नाज करने को। गुरूर का मतलब होता है किसी अल्लाह ताला की तरफ से अनायत की गई अपनी सलाहियत या काबिलियत पर बेजा गुरूर करना या फ़ख्र करना गुरूर कहलाता है। गुरूर का सर नीचा कहानी का उनवान है। इस मौजू पर आपने एक कहानी पढ़ी हुई है जिसमें कछुआ और खरगोश किरदार थे। अब ये कहानी है हिरन के मुतल्लिक। कहानी शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक हिरन रहता था। वो हर वक्त जंगल में चौकड़ियाँ भरता रहता। वो अपनी ज़िंदगी से खुश था। एक मर्तबा वो नदी पर पानी पीने गया। इसने पानी में अपना अक्स देखा। अक्स का मतलब होता है परतू, मतलब साया। हिरन ने सोचा कि इसके सींग कितने खूबसूरत हैं, मगर जब इसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ी तो वो बहुत नादिम हुआ। इसे बहुत शर्मिंदगी हुई। अब पानी में अपना अक्स देखने के बाद हिरन अपने सींगों पर तो बड़ा नाज कर रहा है कि ये कितने खूबसूरत हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी पतली टांगों और पैरों की तरफ देखता है उसे नकाहत होती है। वो सोचता है, खुद को शर्मिंदगी होती है। वो सोचता है कि मेरे सींग तो इतने खूबसूरत हैं लेकिन पैर मेरे बहुत ही बदसूरत हैं। तो इसी तरह एक दिन हिरन नदी पर पानी पी रहा था कि उसने शिकारी कुत्तों की आवाज़ सुनी। हिरन चौकड़ियाँ भरता जंगल की तरफ भागा। जंगल में भागते हुए इसके सींग झाड़ियों में फंस गए। अब वो जिन खूबसूरत सींगों पर नाज कर रहा था वही सींग उसके झाड़ियों में फंस गए, और जो पतली टांगें थी जिसको देखकर उसे नकाहत हो रही थी वो टांगें जो थी उसके भागने में मदद कर रही थी। इसने बहुत कोशिश की मगर अपने सींग झाड़ियों में से ना निकाल सका। इसी कोशिश के दौरान शिकारी कुत्ते हिरन के पास पहुँचे और उन्होंने हिरन को चीर फाड़ दिया। हिरन ने जिन सींगों पर गुरूर किया और वही इसकी मौत का सबब बने। इखलाकी सबक या नतीजा गुरूर का सर नीचा होता है। इस कहानी से हमें एक और सबक भी मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई सलाहियतों पर गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी भी नेमतों से नवाजा है उन सब पर शुक्रगुजार होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी को अच्छी तरह याद करेंगे और अपने रजिस्टर पर लिखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।